वेलकम टू जामगढ़। आज है 29 जुलाई 2019 और 29 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी के सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मार्ट स्कूल कहाँ शुरू होगा? तो भारत का पहला स्मार्ट स्कूल पुणे में शुरू किया जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। सिंगापुर स्थित ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल GIIS ने कहा है कि वह आने वाले वर्षों में भारत में शिक्षा पर 420 करोड़ रुपए की अपनी निवेश योजना के तहत पुणे में भारत का पहला स्मार्ट स्कूल शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो हाल ही में सहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण ईरान ने किया है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। ईरान ने अपनी सीमाओं के अंदर मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। मिसाइल सहाब 3 एक तरल ईंधन मध्यम दूरी की बैलिस्टिक हथियार है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। देखिए, अब बात की गई है ईरान की, तो ईरान के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो ईरान आपका एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान का पुराना नाम पर्शिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पर्शिया प्राचीन काल में किस देश को कहा जाता था, तो आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं और ईरान की मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST परिषद ने इलेक्ट्रिकल वाहनों पर GST दर को 12% से घटाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में GST परिषद ने इलेक्ट्रिकल वाहनों पर GST दर को 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। GST परिषद ने इलेक्ट्रिकल वाहनों पर GST दर को 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है और ये नई दरें 1 अगस्त 2019 से लागू होंगी। अब देखिए, बात की गई है GST की, तो मैं आपको GST से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस बताता हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, GST का पूरा नाम क्या है? तो GST का पूरा नाम है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। सेकंड क्वेश्चन, GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है और कब किया था? तो 1954 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संविधान संशोधन जिसके तहत GST भारत में पारित किया गया? तो आंसर है 122वां। जी हाँ, 122वें संविधान संशोधन के तहत GST भारत में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो GST को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य असम है और इसने कब पारित किया था? 12 अगस्त 2016 को। नेक्स्ट है, भारत में वस्तु और सेवा कर GST कब लागू किया गया? मतलब कि लगभग संपूर्ण राज्यों में GST कब लागू किया गया? तो आंसर है 1 जुलाई 2017। और इसके साथ ही याद रखिएगा, 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PSBY के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PSBY के कार्यान्वयन पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। देश में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PSBY के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है।
31 मार्च 2019 तक योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों ने बीमा को कवर किया है, जो कि भारत में किसी राज्य में सबसे ज़्यादा है। अब देखिए बात की गई है उत्तर प्रदेश की, तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश मैप में यहाँ पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ ही नेपाल देश के साथ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि के साथ लगती हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और हाल ही में उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बनी हैं। उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और श्रीराम शर्मा। तो आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी, तो भारतीय रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी को किस शहर में खोला गया है? तो भारतीय रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी को मुंबई में खोला गया है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब भाई इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। पश्चिमी रेलवे ने मुंबई के महालक्ष्मी नगर में पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी को शुरू किया है। वेस्टर्न रेलवे जनरल स्टोर्स डिपो में 1948 से वेस्टर्न रेलवे प्रिंटिंग प्रेस में उपयोग की जाने वाली प्रिंटिंग तथा संबंधित मशीनों को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में साझेदार देश बनने के लिए आमंत्रित किया है। इस उत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में 3-8 दिसंबर 2019 के दौरान किया जाएगा। याद रखिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं तथा हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इसके साथ ही नेपाल की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अंतर्देशीय जलमार्गों में वाटर टैक्सी चलाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में गोवा राज्य ने अंतर्देशीय जलमार्गों में वाटर टैक्सी चलाने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। गोवा सरकार ने पणजी और ओल्ड गोवा के बीच वाटर टैक्सी चलाने का निर्णय लिया है। यह घोषणा रिवर नेविगेशन डिपार्टमेंट के लिए बजट प्रस्तुत करते समय की गई। अब बात की गई है गोवा की, तो इसको मैप में देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट रिवाइज करते हैं। तो गोवा मैप में यहाँ पर छोटा सा राज्य है, यहाँ पर पड़ता है। गोवा राज्य की सीमाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ लगती हैं। याद रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और यहाँ के राज्यपाल मृदुला सिन्हा हैं। इसके अलावा गोवा के 2 डिप्टी सीएम हैं, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, मनोहर अजगावनकर, और हाल ही में गोवा के नए डिप्टी सीएम चंद्रकांत कावलेकर बने थे। तो आपको दोनों डिप्टी सीएम के नाम याद रखने हैं, मनोहर अजगावनकर और चंद्रकांत कावलेकर। गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए ऊर्जा सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में सुभाष चंद्र गर्ग भारत के नए ऊर्जा सचिव बने हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1983 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी सुभाष चंद्र गर्ग ने ऊर्जा सचिव का पदभार संभाला है। इससे पूर्व वह भारत के वित्त सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव अतनु चक्रवर्ती बने हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं।
निवेश एवं जनसंपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अतनु चक्रवर्ती को आर्थिक मामलों का सचिव बनाया गया। इसके साथ ही वित्त मामलों के सचिव भी यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण इनमी ऑफ आर्यावर्त पुस्तक के लेखक कौन है? तो रावण इनमी ऑफ आर्यावर्त पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब मैं आपको अमीश त्रिपाठी की कुछ अन्य पुस्तकें भी बताता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनको अच्छे से याद रखिएगा। जैसे पहली पुस्तक है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, नेक्स्ट है रावण इनमी ऑफ आर्यावर्त जिसे हाल ही में प्रकाशित किया गया है, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागास, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास। ये सारी भगवानों पर आधारित पुस्तकें हैं और इन सभी के लेखक अमीश त्रिपाठी हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में ऑपरेशन थांगजिंग चलाया गया? तो हाल ही में भारत के मणिपुर राज्य में ऑपरेशन थांगजिंग चलाया गया। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब ये ऑपरेशन थांगजिंग क्यों चलाया गया, तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। मणिपुर में कुकी विद्रोहियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन थांगजिंग को असम राइफल्स ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस ऑपरेशन के दौरान असम राइफल्स ने न केवल अपहरण किए गए गांव के मुखिया को मुक्त कराया है, बल्कि विद्रोहियों के कब्जे से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही याद रखिएगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और मणिपुर के राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ्तार स्कीम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रफ्तार स्कीम का संबंध कृषि एवं विकास से है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार का कार्यान्वयन 11वीं पंचवर्षीय योजना से किया जा रहा है। यह योजना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों को योजना बनाने और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती है। तो कल की वीडियो का आंसर है, LIC का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अब आपके लिए चैलेंज है और देखते हैं कौन कौन इस चैलेंज को पूरा करता है। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपके पास चार ऑप्शन हैं, जो भी करेक्ट आंसर हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ध्यान से प्रेस कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक में फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।